कहे भाई पूरे हिंदुस्तान को बार बार लगातार अभिनंदन संस्था कर रही है कि किसी भी कन्या और बेटी की जब शादी विवाह हो इधर उधर मत भटकिए, आइए और अभिनंदन ट्रस्ट से देखिए कि जो है कि आपका पलंग लेके जाइए, ये पलंग लेके जाइए, ये देखिए सोफा जो VIP सोफा है, ये सोफा लेके जाइए, देखिए कैसा लग रहा है सोफा पर बैठने में बताइए हिंदुस्तान बैठ के बताइए, आप भी बैठ के इंटरव्यू लीजिए जी बिल्कुल देख सकते हैं। और ये सोफा अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो लगभग कम से कम 35-40 हजार रुपए तो आपके खर्च होना ही होने हैं कम से कम। लेकिन यहाँ पे अभिनंदन ट्रस्ट से अगर आप जुड़ते हैं तो ये सोफा जो है और वो जो डबल बेड का आपने पलंग देखा इसके साथ साथ 22 सामान है जो बिल्कुल फ्री मिलता है। जी हाँ बिल्कुल फ्री मिलता है। और किनको मिलता है? उन गरीब बहनों की शादी के लिए, उन गरीब बेटियों के शादी के लिए। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग। आज तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे अभिनंदन ट्रस्ट का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो इसलिए आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि इस वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना राय विचार भी कॉमेंट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अभिनंदन ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जो हमेशा मदद के लिए लोगों के लिए खड़ा रहता है। जी हाँ, ना कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जाना जाता है अभिनंदन ट्रस्ट है। तो आज हमारे साथ अभिनंदन ट्रस्ट के चेयरमैन विवेक सर हैं, विवेकानंद सर जी। तो सबसे पहले सर स्वागत, आपको भी स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, हमारे हिंदुस्तान के कई राज्य से लोग आए हुए हैं जी बिल्कुल, और आप भी यहाँ आए हैं तो बड़ा खुशी लग रहा है। अभिनंदन ट्रस्ट का इतना प्यार है और जिसके में शब्द जुड़ा हुआ है अभिनंदन ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के है सर तो आएंगे ही आएंगे, आपका प्यार है बिल्कुल। आज देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की आज स्पेशल, जिला की कोऑर्डिनेटर की स्पेशल बैठक आज चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी संस्थान के अंतर्गत जितनी भी योजना चल रही है, चाहे कन्या विवाह उपहार योजना हो, चाहे वृद्ध सेवा योजना हो, चाहे शिक्षा योजना हो, चाहे तमाम योजना जो चल रही है, केवल योजना चल नहीं रही है बल्कि इन सभी योजना को 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ समाज, पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाना है, लाभ दिलाना है। इसके लिए अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जो है कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया, बैठक रहा और कैसे इन सभी योजना के द्वारा लोगों को लाभ दिया जाएगा इसके लिए पूरी तैयारियाँ चल रही है। सर अभिनंदन ट्रस्ट में एक योजना नहीं है, लगभग 10 से 12-15 योजनाएँ चल रही है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे कि कन्या विवाह योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर क्योंकि आज के डेट में एक बच्ची की शादी करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, इसमें सबसे पहले सपोर्ट अभिनंदन ट्रस्ट करता है। तो इसके लिए सर कुछ नए व्यूवर्स होंगे हमारे, अभी पुराने व्यूवर्स को तो पता है लेकिन कुछ नए व्यूवर्स भी जुड़े हुए होंगे, तो उनको इस लाभ का फायदा कैसे मिलेगा सर? उनको क्या कहें भाई, पूरे हिंदुस्तान को बार बार लगातार अभिनंदन संस्था कर रही है कि किसी भी कन्या और बेटी की जब शादी विवाह हो इधर उधर मत भटकिए, आइए और अभिनंदन ट्रस्ट से देखिए कि जो है कि आपका पलंग लेके जाइए, ये पलंग लेके जाइए, ये देखिए सोफा जो VIP सोफा है, ये सोफा लेके जाइए, देखिए कैसा लग रहा है सोफा पर बैठने में बताइए हिंदुस्तान बैठ के बताइए, आप भी बैठ के इंटरव्यू लीजिए जी बिल्कुल देख सकते हैं। और ये सोफा अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो लगभग कम से कम 35-40 हजार रुपए तो आपके खर्च होना ही होने हैं कम से कम। लेकिन यहाँ पे अभिनंदन ट्रस्ट से अगर आप जुड़ते हैं तो ये सोफा जो है और वो जो डबल बेड का आपने पलंग देखा इसके साथ साथ 22 सामान है जो बिल्कुल फ्री मिलता है। जी हाँ बिल्कुल फ्री मिलता है। और किनको मिलता है? उन गरीब बहनों की शादी के लिए, उन गरीब बेटियों के शादी के लिए। सर आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से आए हैं सर। यहाँ अभिनंदन ट्रस्ट में कैसे जुड़े? ये हम यही आपकी लोग वीडियो के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम इस योजना के बारे में जानकारी मिली। अच्छा। और हम वहाँ से, ये विश्वास तो नहीं हो रहा था कि कैसा है नहीं है जी, क्योंकि बहुत सारे जो है इससे पहले बहुत सारे संस्था जो है चलती थी तो कुछ उसका ट्रस्टेड नहीं था जी। पहले नाम देखा यहाँ जो अभिनंदन ट्रस्ट, तो मैंने सोचा कि जो पहले मैं वहाँ कार्यालय जाके समझूँ कि क्या है हकीकत सही गलत। तो मैं यहाँ आया तो देखा, मैंने सारी योजनाओं के बारे में जाना, समझा, परखा, तो बहुत ही अच्छा लगा और ट्रस्टेड लगा इसलिए कि ये संस्था जो है ISO जो है 2015 से सर्टिफाइड भी है ना, ये सर्टिफाइड भी है और सेंट्रल अंडर एक्ट 1882 से यह जो है संस्था रजिस्टर्ड भी है। जिस सोफा पे आप बैठे हुए हैं
ये सोफा कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये लोकल है? कंफर्टेबल लग रही है, बहुत ही आरामदेह है। और यह जो है एकदम सोफा, वाकई में सोफा है, वाकई में सोफा है। सो जाइए, ऐसा है, सोने का मन कर रहा है सोफा में। आ देखिए, यही संजय जी है, देखिए इधर, नालंदा जिला से। नालंदा जिला से सर? कहाँ से? नालंदा जिला। कहाँ सर? लगभग 10 जोन प्रभारी नालंदा जिला। 20 से भी ज्यादा कन्या की शादी में इनको सामान दिलवा चुके, मिलिए पूछिए। क्या ये सही बात है सर कि मतलब फ्री में सामान ये सब मिल जाता है? जी फ्री में मिलता है, फ्री में मिल जाता है, बाइक के दाम में बाइक, बदले में ये सारे सामान। देखिए भाई, हम तो कहीं रहे थे, अब जो दिलवाए, अभी तक आपने कितने कन्याओं के शादी में ये मदद दिलवाए? करीब 18-20 के लगभग। 18-20? भाई ये झूठ नहीं हो सकता है, एक दो आदमी बोले तो झूठ मान सकते हैं, 18 बोल रहे हैं सर, 18 नालंदा जिला, वो भी अपने बिहार से, सोच लीजिए। तो अभिनंदन ट्रस्ट में लोगों को जुड़ना चाहिए, एकदम जुड़ना चाहिए, और संस्था सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कितने दिन से सर आप जुड़े हुए? हम करीब करीब 10 महीने से जुड़े हुए हैं संस्था से। मतलब 10 महीने से इस संस्था से जुड़े हुए? यस। अभी तक आपने भी अच्छा खासा तो कमा लिया होंगे सर? हाँ, कुछ कमाए हैं। जैसा सेवा भी कर रहे हैं? सेवा भी कर रहे हैं, और जहाँ तक धीरे धीरे कमाएंगे ना। अच्छा। जब ट्रस्ट अब जाकर गति पकड़ी है। अच्छा। यानी इसका अब जो गति है ना, स्पीड बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया। बहुत दिन संस्था में जुड़े थे, जिस समय जो है कि संस्था में कुछ नहीं दिखाने के लिए था, आज तो मॉल है, बॉल है, जितना इतना चीज है कि क्या कहना है। अभिनंदन ट्रस्ट कह रहे हैं सर, जिस दिन दिखाने के लिए कुछ नहीं था, आज तो लोगों को आप कार दे रहे हैं, कार दे रहे हैं। देखिए, मॉल में आप बैठे हुए हैं, नए साल में मॉल चालू करेंगे, हॉस्पिटल चालू करेंगे, दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस चालू हो रहा है, आप कितना कितना कहाँ कहाँ कहें, बिहार रोजगार भी दे रहे हैं। भारत के 22 राज्यों में संस्था पंचम ला रही है, अब कितना आप कहें भाई, आप रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार तो पहली बार थोड़ी दे रहे हैं, आप रोजगार देते देते बिहार पटना से शुरुआत हो गए, भारत के सभी राज्यों में दे रहे हैं। कुछ लोग आपके चैनल पे बार बार देख रहे हैं, अब मटिया के सूत्र है, अब ठंडा आ गया है, चादर ओढ़ के मत सोचिएगा, चादर छोड़िए और अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए और 15,000 से लेके 1,00,000 महीना कमाइए। कहाँ से? अभिनंदन ट्रस्ट से आपको जुड़ना है सिर्फ, और जुड़ के 15,000। कहते हैं ना कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, आज बिहार के पटना में अभिनंदन ट्रस्ट में लोग आ रहे हैं, कहाँ से? भारत के कोने कोने से, हर राज्य से। और यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी मिल लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, भी इस चैनल को स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अभिनंदन ट्रस्ट का गले में लोगो लगा हुआ है सर आपका, अभी अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ, करीब करीब 1.5-2 महीना होने जा रहा है। कैसा लग रहा है अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़ने के बाद? लग रहा है, इससे जुड़ने से पहले तो लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब इससे हम जुड़े तो बहुत अच्छा लगा, बहुत। और हमने जो लोगों को जो है इसके बारे में जितनी बतला रहे हैं, वो लोग सब आकर्षित होकर के ऑफिस में आ रहे हैं, और आकर के उनको जो है कि जो जिस लायक है, जैसे गाड़ी निकालना है गाड़ी वाले को, या जिसका जो वृद्ध का है, तो सब योजनाएं उनको समझाते हैं, जो योजनाएं में वो सूटेबल होते हैं उस योजनाओं को उनको हम लाभ देते हैं। अभिनंदन ट्रस्ट कहीं से कोई फेंक नहीं है, कहीं की कोई दिक्कत नहीं? सेंट्रल अंडर एक्ट जो 1882 जो हमारा एक्ट है, वो एक मतलब है, जैसे LIC वगैरह जो या फाइनेंशियल है तो IRDA होता है, समझ, उसी तरह से सेंट्रल का जो है, जब भी ऐसा ट्रस्ट या जो खोलेंगे तो वहाँ पर हमारा 1882 का एक जो फार्मूला है, उसके अधीन जो कानून है, उसको हमको पालन करना रहता है। इसलिए भागने की और डूबने की जो शंका लोगों में बना हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। वो एक बार आए हमारे ऑफिस में, मीठापुर बस स्टैंड, चाणक्य कॉलेज के बगल में मेरा ऑफिस है, और मैं उनको तहे दिल से स्वागत भी करूंगा। और ख़ास करके मैं उन बेटियों को कहना चाहता हूं कि जिनकी, मान लीजिए कि बेटी 21 साल हो गया है, और उनको लग रहा है कि अब सामान हम पलंग सोफा सेट कहाँ से दे पाएंगे, साधारण लोग के होता है ना, एगो पलंग कैसे वो करके खरीद के दे देती है सोने के लिए तो सब तक गया, लेकिन सोफा के लिए वो नहीं सोच पाती है। और गाड़ी तो पहले के लोग को था कि SMT का एगो घर ही और साइकिल एगो रेडियो एकदम जरूरी था। उसी तरह से आज जो है हर एक लड़का एक गाड़ी जरूर मांगता है ना। तो हम गाड़ी तो देते ही हैं, साथ में देखिए गाड़ी जब लेने के लिए आ जाइएगा तो वहाँ पर आपको एगो चम्मच क्या, ये कोई हेलमेट भी आज के डेट में नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसके गाड़ी के साथ साथ
हम इतने प्रकार के जो 22 प्रकार का हमारे पास सामान है जो आपके सामने जरा एक बार दिखाइए जरा सोफा को, ये लग्जरी सोफा है जैसे आराम से है वैसे आप सो सकते हैं, ये हमारा लग्जरी है, हमारा पलंग है और हमारे पास करीब करीब 22 सामान है जो हैं जो लड़का कि यहाँ जो देने वाले जो होते हैं वो मैं बिल्कुल ही फ्री देता हूँ। हाँ, इसलिए वो लोग आए और एक बार हमारे ऑफिस में मिले और जरूर उनको हम जो है ये सब चीज़ें। तो ये सारी सेवाओं का लाभ आपको मिलने वाला है अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़ने के बाद। इसके लिए जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर उतना नहीं कर सकते हैं पटना सीधा जंक्शन आइए, जक्कनपुर थाना के पास पहुंचिए, वहां से कॉल कर लीजिए, वहां से आपको लाइनअप कर लिया जाएगा। अगर आपके घर में किसी बहन की बेटी की शादी है इस लाभ उठाइए, इस जो भी योजनाएं चल रहे हैं अभिनंदन ट्रस्ट में उसका। अगर आपके घर में नहीं है, किसी आस पड़ोस वालों के घर में है, किसी भाई बहन की शादी है, किसी दोस्त यार में शादी है किसी बहन बेटी का, उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उनके तक पहुँचा दीजिए ताकि वो इस योजना का लाभ उठा सके। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।